हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, काफी सारे स्टेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एनटीएससी का। ठीक है बच्चों, तो अगर आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, हर स्टेट की अगर अपन बात करें, कट ऑफ की बात करें, कुछ स्टेट के अंदर कट ऑफ उतना ही रहा है, कुछ स्टेट के अंदर कट ऑफ काफी हाई चला गया है और कुछ स्टेट के अंदर कट ऑफ थोड़ा लो भी गया है। ठीक है, तो अगेन मैं हमेशा बोलता आया हूं कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग कभी भी पढ़ाई मत करो, अपना टारगेट स्कोर मत सेट करो, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उस साल कितने बच्चों ने अपियर किया है, बच्चों का लेवल क्या था, एंड सेकेंड थिंग कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि लाइक आप हर वेराइटी के पेपर सोल्व करो और हर वेराइटी के पेपर्स के अंदर अपना अपना अलग अलग टारगेट देखो। अगर पेपर इजी आता है तो आपका टारगेट 185 प्लस होना चाहिए, अगर पेपर टफ आता है तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट है वो 165 प्लस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे स्पेसिफिक राजस्थान स्टेट के लिए मैं बात करूं, तो राजस्थान स्टेट में क्या था कि आरबीएससी का एक अलग से सिलेबस आ रहा था। ठीक है, तो जो बच्चा सीबीएसई का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सिलेक्टेड होते हैं वो सीबीएसई के होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए एक टफ टास्क ये था कि उनको आरबीएससी का भी सिलेबस करना है, उनको सीबीएसई का भी सिलेबस करना है। ठीक है, तो इससे बड़ी समस्या क्रिएट होती है, बट फिर भी कट ऑफ 180 गया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस साल जो एनटीएससी देने वाले हैं राजस्थान से, ठीक है बच्चों, आपका सिलेबस अब सीबीएसई हो चुका है और आपका कॉम्पिटिशन उन बच्चों से जो अभी सीबीएसई पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा अगर अपन बात करें एकेडमिक वाइज तो आपको थोड़ा कम पढ़ना होगा। तो इस वजह से क्या है कि कंपटीशन और ज्यादा हाई हो जाएगा। तो आप एक एक सिंगल मार्क्स की आपकी फाइट होनी चाहिए। आपको ये जरूर सोचना होगा हर पेपर के बाद कि ये नंबर मेरा डिडक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आउट ऑफ 200 मैंने कितने लेके आ गया, आप ये सोचिए कि 10 नंबर गए हैं, 11 नंबर गए हैं तो क्यों गए हैं, ये मार्क्स मेरे नहीं जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।